So can we have some light on the media also, please? I can't see them. Okay, thank you. So anybody with any questions, or should we finish it off? Somebody give the mic there. Hi, Agnes, sir, Alok here, aapke center. सर सवाल ये है कि एक तो ट्रेलर बहुत अद्भुत है, इंतज़ार है, ट्रेलर काफ़ी दिल को छूता भी है और गाने भी दोनों बेहतरीन से लगे. तो कौन सा तार छेड़ा है आपका, मतलब कौन सा तार छुआ है आपके दिल में? सर देशभक्ति की भावना, खास तौर से जब नेशनल एंथम आता है और अपने हम कहीं भी रहते हैं तो खड़े हो जाते हैं, मेरे दिन की शुरुआत ही नेशनल एंथम से होती है. सवाल ये है कि गोल्ड जो पदक होता है ये आपके निजी जिंदगी में कितना अहम है, क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स से एक जमाने से जुड़े हुए हैं. खैर हमने बचपन से, चाहे स्पोर्ट्स डे हो स्कूल में जब होता था तो तभी वो होता था, जो नंबर वन आएगा उसको गोल्ड मिलेगा, टू आएगा उसको सिल्वर, थर्ड जो ब्रॉन्ज, तो गोल्ड एक बहुत बड़ी बात होती थी और अभी भी है. हाल ही में मेरे लिए, मतलब करीबन दो ढाई साल पहले, मेरा बेटा गोल्ड मेडल लिया उसने मार्शल आर्ट के अंदर, ब्लैक बेल्ट मिला उसको, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. सो हमने सेलिब्रेट किया उस बात को. तो गोल्ड एक जो चीज़ है, एक परिवार के लिए, एक देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब अगर नहीं मिलता है तो वो कमज़ोर समझना चाहिए अपने आप को. हमें और मेहनत करनी चाहिए और उस चीज़ को हासिल करनी चाहिए. हाल ही हमारा देश, हमें फिलहाल कॉमनवेल्थ में हमें कितने गोल्ड मिले इस टाइम, करीबन 18-19 गोल्ड मेडल मिले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं कॉमनवेल्थ में हिंदुस्तान को. सो बहुत बड़ी बात है. सो इट मीन्स अ लॉट. एंड रीमा, कैप्टन ऑफ द शिप हैं आप, मैं चाहूँगा कि या तो लेफ्ट से या राइट से, सबकी एक एक खूबी जो एक डायरेक्टर के तौर पर आपने फील की है, महसूस की, अगर आप बता सकें, अमित से लेके सनी तक, या सनी से लेके अमित तक. सो आई थिंक विद सनी इट्स जस्ट ही इज सच अ नेचुरल एक्टर, इट्स अ ड्रीम फॉर अ डायरेक्टर. विद विनीत डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है, ही इज सो गुड, खुद ही कर लेगा. सिमिलरली विद अक्षय सर, इट्स यू नो इट्स जस्ट बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. विद सिमिलरली विद मोनी, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम यू नो हर एक्टिंग कैपेबिलिटीज, मोनी कीप्स अ कॉन्स्टेंट बैंटर ऑन एट द वीडियो असिस्ट, सो यू कैन नेवर हैव अ बोरिंग डे विद हर अराउंड. Kunal, I think, again, I think it's his, the gravitas that he brings to the part that he plays. And Amit Saad, again, I mean, apart from the obvious acting, you know, I think brother and friend for life. Thank you. Alok, kabhi tune aisa question pucha hai ki, aur kisi ne jawab diya ki, nahi, maza nahi aaya iske saath kaam karke. Nahi sir, mera ye sawal tha. To tu puchta kyun hai? सर मैं जानना चाह रहा था कि सभी बोलते हैं हाँ बहुत बड़ा है ये, बहुत कमाल है ये, तो कमाल ही है ये, तो उससे भी कमाल है ये. तो मैं बोलो, ये क्वेश्चन जो होता है ना, मैंने हमेशा देखा है, आज तक किसी ने बोला मैं बस ये मेरी आखिरी फिल्म है, इस आदमी के साथ मैं फिल्म नहीं करूंगा, मैं इसके साथ कभी काम नहीं करूंगा. अच्छा सर, एक अहम सवाल पूछता हूँ. पिछले दिनों सत्यमेव जयते के ट्रेलर लॉन्च पे जब एक सवाल किया गया जॉन अब्राहम से कि आपकी भी फिल्म आ रही है, उनकी भी फिल्म आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ही इज अ फ्रेंड और एक दिन पे दो फिल्में आ सकती हैं. आपको कैसा लगता है सर, क्योंकि एक ही दिन पे ये दोनों फिल्में आ रही हैं? ही इज अ फ्रेंड, बिल्कुल सही है, ही इज माय फ्रेंड. और हमारी इंडस्ट्री बेसिकली वी आर ऑल फ्रेंड्स. वैसे मैंने मैं पानी पी लूं.
सॉरी सो जैसे बिल्कुल जॉन ने बिल्कुल सही कहा, वी आर फ्रेंड्स. और हम सब फ्रेंड्स हैं पूरी इंडस्ट्री में. और मैंने भी ये सीखा है कि फ्रेंड्स हैं, कोई भी किसी के डेट पे आ सकता है, साथ में आ सकता है. तो अगली बार मैं भी यही करूँगा. वी ऑल फ्रेंड्स. थैंक यू सर. Because there also we were all friends. हम सब दोस्त हैं, पूरी इंडस्ट्री दोस्त है. आप कोई भी दिन हो, ईद, दिवाली, क्रिसमस, सब आएंगे, मिल मिल के आएंगे, क्योंकि हम सब दोस्त हैं. अरे बस ना, चाचा गोल्ड के बारे में बोल ले, बस हो गया, बस वी आर फ्रेंड्स. आप और मैं भी दोस्त हैं. अक्षय सर, आपसे ये सवाल था कि हॉकी हमारा सबसे पुराना गेम है, और लेकिन फिर भी उसको वो मुकाम नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था. और अभी हम देख रहे हैं कि सुरमा आ रही है, गोल्ड आ रही है, तो क्या लगता है किस तरह से हॉकी को एक और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, दर्शकों तक पहुँचेगी, तो लोग कितना उससे जुड़ पाएंगे? हाँ, अच्छी बात है कि वैसे भी आपको देखो, हॉकी जो है, पहले फिल्म एक चक दे भी बनी थी और उसमें भी काफ़ी कुछ हुआ था, अच्छा हुआ था, फिल्म अच्छी गई थी हॉकी के बारे में. मैं तो चाहता हूं कि ऐसे क्रिकेट को, बिना मतलब क्रिकेट को साइड में रखते, बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे अभी कबड्डी भी काफ़ी ऊपर आ रहा है, हॉकी भी ऊपर आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है, लोग यंगस्टर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं अलग अलग किस्म के स्पोर्ट्स. सो इस फिल्म को लेके हॉकी के क्रेज़ और बढ़े, लोगों को पता चले हिस्ट्री के बारे में कि क्या हुआ था 1948 में, हमारा पहला गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड जो हमें मिला था. तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग, इट इज़ अ मस्ट थिंग, एंड इट शुड हैपन दैट हॉकी शुड कम अप मोर एंड मोर. एंड इवन आई थिंक द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट एंड थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट इन आवर कंट्री. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कॉमनवेल्थ में थिंग्स हैव चेंज्ड. The degree of gold what we have now is much more larger than what we had earlier. Akshay sir, yeah. अब उसके बारे में मैं मेरे डायरेक्टर को बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे काम किया था इस चीजों पे. Well, he worked pretty hard. I can vouch for that. He worked with the dialect coach, you know, to get that accent right. And in terms of his look, I mean, hair, makeup, and wardrobe. There was Taranum Khan doing makeup, Diane and Avan doing hair, and Payal Saluja doing wardrobe. It was, you know, a collaboration from all, I think, him, me, and them. And, you know, a whole lot of makeup tests and wardrobe tests later. We came up with the look. प्लस मैं 2 साल कैलकटा में रह चुका हूँ और मुझे काफ़ी उसमें भी मुझे सहायता मिली, क्योंकि मैं 2 साल उधर काम करता था, बहुत पहले की बात है. एंड सो बंगाली एक्सेंट धीरे धीरे मैंने पकड़ा, तो इन्होंने कोच भी दिया हुआ था, तो उसको सीखते सीखते थोड़ा डर था कि कैरिकेचर नहीं लगे, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा कहा नहीं है, ना आई होप सो ऐसा ना हो. अक्षय, आपके राइट में आपसे मेरा सवाल है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी चर्चा भी हुई है और इसे राष्ट्रीय गेम के रूप में घोषित नहीं किया गया है. तो आपको क्या लगता है, ये दर्जा मिलना चाहिए हॉकी को? और दूसरा सवाल ये है कि एक सवाल कर लेते, एक जवाब दे देता हूँ मैं, फिर भूल जाऊँगा मैं. मैम, आई होप हमें से, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, इट्स द फर्स्ट गेम, जैसे जो 1948 में फर्स्ट गोल्ड मेडल हमें मिला था. और मैं आई होप कि आफ्टर दिस फिल्म रिलीजेस, दैट दिस फिल्म गिव्स हॉकी जो दर्जा उसको मिलना चाहिए उस हिसाब से. तो आई होप थिंग्स चेंज. अक्षय सर, सवाल है कि क्रिकेट को जितनी तवज्जो यहाँ दी जाती है और सारे गेम्स को नहीं मिलती है, लेकिन सुरमा
हॉकी और इस तरह के जो गेम्स पे फिल्में बन रही हैं तो एक जागरूकता भी हुई है, और दूसरी बात अभी हाल में फुटबॉल के लिए भी उनके प्लेयर ने आकर के बात की थी तो लोग गए थे देखने। तो आपको क्या लगता है कि ये है कि क्रिकेट को ही तवज्जो मिलती है, और क्या और चीज़ें हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक्सेल स्टूडियो जो हमारा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं रितेश और फरहान, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने क्रिकेट को असाइड रख के हॉकी पे फिल्म बनाई, और उन्होंने ये सोचा, रीमा ने इसके बारे में सोचा, इसके बारे में पता किया कि क्या हुआ था। मैंने जब पहली बार रीमा को मिला था तो मुझे इन्होंने पूरे इतनी बड़ी फाइल दी थी कि जो जो चीज़ें इन्होंने पता की मुझे भी नहीं पता था। एंड आई एम श्योर यहाँ इस ट्रेलर से पहले किसी को नहीं पता था कि 1948 में हमें पहला गोल्ड मेडल मिला था। तो मैं तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसी फिल्म लाई सामने और लोगों के सामने पेश की। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी एंड फॉर आवर कंट्री एंड फॉर पीपल एंड फॉर आवर यंगस्टर्स टू नो व्हाट आवर पास्ट वाज, व्हाट हिस्ट्री वाज। अक्षय सर यहाँ पर, सर आप इस सामने सर, यह हाँ सर, सर हाँ सर, आज सर ये इस फिल्म में आप खेलते हुए नजर आएंगे क्या? हाँ, 20 सेकंड के लिए बस, तो और कितने मजे लेगा। अक्षय, एज अ किड, एज अ चाइल्ड एंड एज अ यूथ, डिड यू एवर प्ले हॉकी? यस, आई यूज्ड टू। व्हिच पोजीशन? आई यूज्ड टू बी अ गोली। ओह या, ओके। Why? Oh, मतलब good. हाँ, that's a much better thing ना, to good. Goal. Oh, goalie था. इसमें क्या था? कौन सी बड़ी बात है? I wanted to ask another question कि goal खाते थे कि झेलते थे? Goal खाते थे कि झेलते थे? हाँ, means used to defeat the opponent or the opponent used to. Were you a good goalie? I think that's. अच्छा. गोल खाते थे या झेलते थे? नहीं, कई गोल हो भी जाते थे, कई नहीं भी होते थे, सेव भी करते थे। देखो बोलना है। मैं कुछ बोलता हूं। हम लोग जब शूट कर रहे थे तो वहाँ सर जब खाली समय मिलता था तो एक बॉल होती थी और सारे पूरी टीम होती थी और सभी माशाल्लाह 18 से लेकर के 30-32 साल तक के सारे प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, और वो गेम खत्म ऐसे होता था कि जब खेलते खेलते सर बताएंगे उसके बारे में। नहीं नहीं, आप बताओ। खेलते मैं ये बता रहा था कि हम जब खेलते थे तो इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्योंकि शॉट के बीच में कई बार इनको बुलाना पड़ता था। हाँ बताओ। तो आपका जो सवाल था उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसे गोलकीपर रहे होंगे, गोल खाते होंगे या गोल रोकते होंगे, उसके लिए बता रहा हूँ। छोटी बॉल होती है क्रिकेट की और कोई भी किसी की तरफ कभी भी बॉल फेंक सकता है, जिससे ड्रॉप हुई वो बाहर। आखिरी यही बचे थे, हम लोगों ने करीब 40 बार तो खेला होगा क्योंकि वो हम पैसों के लिए खेलते थे। तो आप वो, इसे... वो बात क्यों नहीं बताता मीडिया? मेरे कुछ हैं सर के पास। मौनी जी आपके ठीक सामने कुछ बताना चाहेंगे? आपके ठीक सामने लिटिल बिट ऑन योर राइट हाई, कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका अक्षय कुमार जी के साथ में? जी, जो भी स्टार कास्ट है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इन सब के साथ बैठकर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ आज यहाँ पर, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सो ब्रिलियंट। सब अपने काम में सुपरलेटिव हैं। अक्षय सर से शुरुआत करूँगी। ही इज़ सच अ लेजेंड एंड हर एक शॉट में वो इतने सिंसियर हैं, इतना कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। एंड बाकी सबसे अमित कुणाल सर, विनीत, सनी, रीमा, वेल उन लोगों के साथ इतना सारा इतना ज़्यादा काम करने का मौका तो नहीं मिला, बट आई एम अ फैन ऑफ ऑल ऑफ देम। एंड रीमा मैम, यू आर जस्ट द बेस्ट। सो या, I'm very very grateful and thankful. So she's very grateful. और इन्होंने कहा है कि जब भी हमारे साथ फिल्म करेगी ये free of cost. जी, promise. I'm just joking. अमित जी and कुणाल जी, आप लोग कुछ बताइए कि आपके किरदार के बारे में कुछ अगर आप हमें थोड़ा बहुत बता सकें। कुणाल, तू सीनियर है तो। अच्छा,
चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ तो मेरे कैरेक्टर का नाम है सम्राट, और सम्राट जो है वो टीम का कैप्टन रह चुका है, एंड फॉर हिम लाइक द अदर प्लेयर्स द ओनली ड्रीम इज कि एक दिन अंडर देयर इंडियन फ्लैग दे विल विन अ मेडल, बिकॉज दे विन वन अ मेडल अ लॉट ऑफ टाइम्स बट दे वन अंडर द ब्रिटिश फ्लैग, सो फॉर देम द ड्रीम इज दैट कि एक दिन हम लोग इंडियन फ्लैग के अंडर ये मेडल जीतेंगे, एंड ऑब्वियसली तपन बाबू हू इज प्लेड बाय अक्षय सर ही इज द वन दैट ड्राइव्स दैट ड्रीम, सो या आई मीन देयर इज अ लॉट आई कैन से अबाउट सम्राट बट आई डोंट लेट आउट टू मच except for the fact that he's a great leader, he's somebody that is a player, also becomes the coach of the team. Yeah, Amit ji, aap shayad jante nahi hai jab hum paida hue the na to doctor ne hame pitaji ko bula tha, badhai ho aapke ghar mein center forward paida hua hai, Raghubir Pratap Singh. Hi Moni. उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहता हूँ रीमा को, उन्होंने इतनी प्यारी फिल्म बनाई है, और मैं बहुत खुश हूँ अक्षय सर के साथ काम करके. सर के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन जो एक बहुत कमाल की चीज़ मुझे दिखी जो मैंने सीखा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ अभी भी नहीं हो पाता, सर ने खुश रहने का टेंडर लिया है. कुछ भी हो जाए, कैसा भी बारिश हो रही है, कितनी भी मुश्किलें हों सेट पे, मैंने कभी सर को परेशान नहीं देखा. एक मुस्कान रहती है और एक बड़ा अच्छा सा माहौल रहता है, और हम 40 घोड़े थे सेट पे जिन्हें संभालते रहते थे, उलझाए रहते थे छोटी छोटी चीज़ों में, और इन छोटी छोटी बातों में बहुत सारी चीज़ें सर ने सिखाई हैं, वो मेरे साथ रहेंगी. मेरा किरदार है इम्तियाज़ शाह का, इससे ज़्यादा अभी कुछ मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए. फिल्म देखिएगा 15 अगस्त को. थैंक यू अक्षय जी. हाँ जी, तो मैं भी यही शुरुआत करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रीमा, अक्षय सर, मोनी एंड एवरीबडी, रितेश एंड फरहान फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. किरदार के बारे में ये है कि पंजाब का है, एक गांव को बिलोंग करता है, हॉकी खेलना पसंद है, ज़्यादा सोचता नहीं है, बस देश से प्यार है, हॉकी से प्यार है, और खेलना है उसे, बस बाकी तो कुछ है नहीं इसके पास. थैंक यू. एक्चुअली मैं भी अक्षय सर से कुछ सीखा हूँ, वो है कि इनके आसपास कभी घड़ी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इनमें कमाल का टैलेंट है, मेरे साथ कर चुके हैं. देखिए आज मैं घड़ी पहनने वाला था लेकिन पहन के नहीं आया. ये किसी की भी घड़ी कुछ 8 या 9 सेकंड में उतार सकते हैं, तो आप जरा संभाल के. सिर्फ घड़ी नहीं है. हाँ सब, मैं वो बोलने वाला था, सिर्फ घड़ी नहीं, लेकिन अगर किसी ने घड़ी पहनी है आज, और अगर आप हाथ मिलाने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से. मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा दूसरा था, मुझे तो खूब गुड लक मनी मिली यहाँ पे, क्योंकि मैंने खेला नहीं पर मुझे गुड लक मनी मिली. यस, चिरगले नहीं मिला ना तो मैं आई थी गेम देखने के लिए, फिर एक्टर जीत गए और मुझे गुड लक मनी मिली. और आप भी हमें ओ करते हैं 8,000 rupees बाय द वे. आप और सनी, ये पर्सनल बातें बाद में कर ले. अक्षय जी, इस फिल्म के दौरान बंगाली कितनी शार्प हो गई आपकी, एंड वो जो हमें रोमांटिक सीन देखने को मिला जहाँ पर स्क्रीन भी थोड़ा फ्रीज हो गया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर आप हमें कुछ बताना चाहें तो? आपके ठीक सामने यहाँ. हाँ जी, फिल्म के अंदर मेरा बंगाली एक्सेंट रखा है, क्योंकि ये हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म है, तो इसके अंदर हिंदी बोलता हूँ लेकिन बंगाली एक्सेंट में बोला हुआ है, तो इसमें मुझे बंगाली सीखनी नहीं पड़ी लेकिन बंगाली एक्सेंट सीखना पड़ा था. और वो रोमांटिक सीन, हाँ रोमांटिक सीन के बारे में क्या चाहिए आपको? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? हाँ एक्सपीरियंस बेटा, 3 शॉट थे, 3 शॉट में क्या एक्सपीरियंस होगा? मौनी, पहली फिल्म और बीइंग अ बंगाली आपके लिए तो होम ग्राउंड रहा ये. सबने बताया कि अक्षय से ये सीखा वो सीखा, मैं जानना चाहूँगी आप कितना बंगालीपन सिखा पाई सबको, या क्या कुछ रहा सेट पर?
नहीं, आई मीन जैसा कि अक्षय सर ने बताया, फिल्म हिंदी में है तो एक्सेंट पे वर्क करने की ज़रूरत थी. आई थिंक मुझे भी वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी. मैंने सिर्फ अपनी माँ से कहा एक बार कि माँ हिंदी में बात करो, तो मैंने वही थोड़ी बहुत फॉलो करने की कोशिश की. एंड ऑब्वियसली डायलेक्ट कोच भी होते थे सेट पर, और रीमा मैम भी थी, रीमा भी थी. सो और पर ये बात सच है, हम सबको इनसे कुछ ना कुछ, जैसे कि इन्होंने कहा कि अक्षय सर हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा एक माहौल बना हुआ रहता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, अगर सुबह सुबह उठ के आपको काम पर जाने का मन करे, देन आई थिंक द रेस्ट ऑफ द डे एंड ऑल योर सीन्स गो वेरी वेरी वेल. सो इट्स ऑल थैंक्स टू रीमा एंड अक्षय सर. हाय अक्षय, संदीप हियर फ्रॉम ANI. एकदम पीछे हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मेरी आवाज़ काफ़ी होगी. सर, सवाल ये है कि आपने पैडमैन की, टॉयलेट की, तो ये सब ऐसी मूवी हैं जिनके बाद देश में क्रांति सी मच गई. पैडमैन की तो सैनिटरी पैड्स के वेंडिंग मशीन्स शुरू हो गए, टॉयलेट की तो स्वच्छ भारत अभियान को और ज़ोर मिल गया. अब आप हॉकी पर फिल्म कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या हॉकी में भी कुछ ऐसी क्रांति आएगी? मैं चाहता हूं कि हो, कि और हॉकी को और बढ़ावा मिले. ये एक फिल्म में एक छोटा सा जरिया है, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ है जो मैं स्पोर्ट्स पे देना चाहता हूं. जी, ये टू मी दिस इज़ अ स्पोर्ट्स फिल्म. इट्स नॉट ओनली अबाउट हॉकी, इट्स अबाउट स्पोर्ट्स एंड हाउ द होल नेशन लुक अपॉन वन स्पोर्ट एंड हाउ इट बिकेम बिग एंड हाउ द होल कंट्री यूनाइटेड बिकॉज ऑफ दिस वन स्पोर्ट. So, इसे सिर्फ एक हॉकी का फिल्म ना समझिए, आई वुड से कि इट इज अ स्पोर्ट फिल्म. सर, दूसरा सवाल यह है कि जब ट्रेलर देखा तो उसमें लिखा हुआ था इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, है ना, तो आपका जो किरदार है वो इतिहास के किस व्यक्ति से इंस्पायर्ड है, या उसमें कितनी काल्पनिकता है? थोड़ी बहुत है और काफी कुछ सही है. कुछ लोग होते हैं पता आपको, जो फेमस नहीं बन पाते जी, पीछे रह जाते हैं. जैसे एक फिल्म बनती है, उसके पीछे जो टेक्नीशियन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कभी सामने नहीं आ पाते. ये उस आदमी की कहानी है. मैंने कोई गेम नहीं खेला इस फिल्म के अंदर, मैंने कुछ ये उस इंसान की कहानी है जिसने ये सब चीज पिरोया. ये उस धागे की कहानी है, ये उन मोतियों की कहानी नहीं है. मतलब मोतियां हैं अंदर पूरे, लेकिन ये बेसिकली उस धागे के थ्रू से ये मोती चलते हैं. बड़े कभी बताऊंगा. रीमा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हाय, दैट्स रचना फ्रॉम बॉम्बे टाइम्स. रीमा, वी डोंट इजीली एसोसिएट वुमेन विद अ लॉट ऑफ फील्ड वर्क. फॉर इंस्टेंस, वी डोंट एसोसिएट वुमेन विद सिनेमेटोग्राफी वेरी इजीली. And likewise, we don't easily see women doing a sports-oriented film, which requires a lot of work on the field and a very different kind of approach to filmmaking. Do you think with the kind of work that you are doing, you can probably ignite a change in perspective and in the approach that we have towards women? Yeah, I hope so. I mean, I don't think technically there's anything stopping a woman from making a good sports film. So, yeah, I hope so. Reema ma'am. And, you know, my sports coordinator, who's way more experienced than me in sports films, Amy McDaniel, she was also a woman. Reema ma'am, my question to you, as it is a periodic film, what kind of research you went through and what were the challenges? Well, we did a lot of research before any of the HODs came out. I had come out with a lookbook for myself. Then as and when each crew member came on, they started researching their department specifically. So a lot of research did go into it because we wanted to get it right. In terms of, I mean, challenges, I think the weather shooting in England was a challenge, and shooting with old cars. Because I mean, we needed the cars to be from the 40s. I wanted to be not get cars that were incorrect from that time. But that also meant that very often a lot of black smoke would come out and they'll just stop. So yeah, that was a bit difficult. Akshay sir,
आपके सामने प्रशांत ई टीवी से. जब हॉकी का जिक्र छिड़ता है तो ध्यानचंद की बात आती है, हॉकी की बात आती है, और ये वक्त जब जिस बारे में बात की जा रही है उस वक्त भी ध्यानचंद का जिक्र आता है. तो क्या कोई बात उनसे जुड़ी इस फिल्म में नजर आने वाली है? देखिए, इट इज़ बीन इंस्पायर्ड. इसमें कई चीज़ें हैं जो फिक्शनल भी है, तो मैं ये मेरा कहना कि उनसे ली हुई है वो गलत रहेगा. तो काफ़ी कुछ मिला मिलू के ये फिल्म के इस कहानी को पिरोया गया है. रीमा मैम, फिल्में आइडिया होती हैं और बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी होती हैं, तो इस फिल्म की शुरुआत कहाँ हुई, ये आइडिया कहाँ से आया? ये एक दिन में मेरी फ्रेंड अंकुर तिवारी जो हुज आल्सो अ म्यूजिशियन एंड अ राइटर एंड अ फिल्म मेकर, आई वाज सिटिंग एंड टॉकिंग टू हिम. मुझे एक स्पोर्ट्स फिल्म बनानी थी एंड वी वर जस्ट जैमिंग आइडियाज एंड ही टोल्ड मी अबाउट यू नो दिस हॉकी गोल्ड मेडल विन इन 1948, वन ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस. आई रिसर्च्ड, आई मीन आई रेड द काइंड ऑफ फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर आई वाज रीडिंग अप. And finally, I found a little snippet about this gentleman who finally inspired Akshay's character, Tapan, who apparently had pulled out the Indian national flag in the German Olympics. That to me was like the deciding moment, I think. I knew I had found a film that I really, really wanted to make. References क्या मुश्किल थे, क्योंकि जैसा है वक्त काफी पीछे का है? सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? रेफरेंसेस मुश्किल थे इन कैरेक्टर्स के? नो, नॉट रियली, बिकॉज इट्स ऑल वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर, सो इट नहीं, काफी इजीली हो गई. I've got gold medal in running. I've got gold medal in volleyball. In karate, and I've got bronze. हमें trophy मिली थी छोटी वाली cricket में, बस यही. Last question. मौनी मैम. Sorry. अभी कहाँ, जमाना है खत्म हो गया, अब गोल्डन जुबली कहाँ होती है पिक्चर में? अब तो दो हफ्ते चल जाए, तीन हफ्ते चल जाए तो आदमी पागल हो जाता है. अब कहाँ चलती है? I have a question for this Moni, is the last ma'am. question. Sir. Yeah, ma'am, this is the last question. I have a question for Moni, ma'am. First of all, I'm Apurva from Pinkwala. First of all, congratulations for gold. Thank you. And you're one of the top TV personalities that we have. So, what are the major differences between shooting for a film and TV per se? Songs, that's the only difference, but I think I'll answer it if I see it. Please. I think they work much harder than us. Wonderful. Sir, I would request, sir, so sir, here, group picture ke liye, please. Sir, here, Abhishek, sir. Excuse me, sir. Akshay, if you can hear me, slightly towards your left here. Yeah, wise man. Okay. Akshay, whenever your movie opens at the box office, whenever it releases in theaters, you know, because I do a lot of public reviews, I get to know that it runs houseful for weeks on weeks. But this time around, since there is a clash, why would you tell your audience that gold should be their first choice on August 15th? Sorry, what's the last thing what you said? Why would you tell your audience that gold should be their first choice to watch on August 15th? I'm not saying ki what should be, because I'm nobody to tell anybody what is your first choice. The first choice belongs to the person who is going to spend the money. My job is to just tell them that here I come with a very fine product, and that's it. So I'm not going to be the person to tell anybody to watch which movie to watch. Also, whenever clashes have happened with an Akshay Kumar film, be it say with Aitraz or Garam Masala, it is Akshay Kumar who has emerged victorious at the box office. So does that also give you confidence, given that history is backing you? Well, as John is my friend, so I would wish
all the luck to both the films, and I hope both the films does very good in box office.